हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ के लिए हिंदी हिंदी के बुक अंतराल से ठीक है बेटा आरोहण चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आरोहण ठीक है बेटा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आरोहण का मतलब होता है पर्वत पर चढ़ाई करना, आरोहण कहलाता है। इसका मतलब पर्वतारोहियों के लिए आरोहण का प्रयोग किया जाता है ठीक है, जिसके लेखक है संजीव। ओके, इसके मुख्य पात्र हैं रूप सिंह, भूप सिंह, शैला, महीप, शेखर और त्रिलोक सिंह। लेखक संजीव ने इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समाज को यह दर्शाने का प्रयास किया है कि पर्वतों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कठिन होता है, उनके जीवन का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, कितनी ही कठिनाइयां उनके जीवन में होती हैं, खास तौर से आजीविका संबंधी। साथ ही यहाँ पर बाल श्रम का भी वर्णन लेखक ने किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतारोहियों से संबंधित उनकी निजी अनुभवों का भी वर्णन किया है। रूप सिंह जो एक नवयुवक है, जो 11 वर्ष के बाद अपने गांव माही लौटा है। आज क्योंकि वह 10 साल की उम्र में ही शहर चला गया था, गांव छोड़कर वह शहर चला। शहर जाने के बाद उसने पर्वतारोही की का प्रशिक्षण प्राप्त कर वह आज पर्वतारोही बन चुका था और पर्वतारोही बनकर अपने गांव लौटा था। अब उसका वेतन जो है वो 4000 वेतन लेता था पर्वतारोही बनकर। ऐसे में वह 11 वर्ष के बाद अपने गांव लौटने वाला था। उसके साथ उसका मित्र शेखर भी था। शेखर जो कि उसके रूप सिंह का मित्र भी था, साथ ही उसके द्वारा जिसने उसे नौकरी दिलवाई थी, पर्वतारोही का प्रशिक्षण दिलवाया था, उसके गॉडफादर का बेटा भी था जो अब IAS की ट्रेनिंग भी ले रहा था ठीक है। देवबंद बस स्टॉप पर उत्तर प्रदेश, बेटा उस समय का ये उत्तर प्रदेश था जो आज का हमारा उत्तराखंड है। वे देवबंद के बस स्टॉप पर उतरते हैं। दोनों बस स्टॉप पर उतरने के बाद वहां से जो गांव था माही, वह 15 किलोमीटर की पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरता था, जिसमें खाइयां, घाटियां और सघन हरियाली के बीच बसा वह छोटा सा गाँव था। वहां तक जाने के लिए उन्हें या तो पैदल चलना पड़ता या फिर घोड़े लेने पड़ते। ऐसे में जैसे ही बस स्टॉप पर उतरते हैं, शेखर चाहता है कि वह अपने दोस्त को, पहली बार जो आया है उसके गांव, वह अपने दोस्त को किसी सवारी से ही लेकर जाए, चाहे घोड़े ही क्यों ना मिले। तभी उन्होंने चाय वाले से, पास में जो चाय वाले का स्टॉल था, उससे पूछा कि हाँ भैया, क्या यहाँ से जाने के लिए, माही गांव जाने के लिए कुछ मिलेगा। तभी उसने बताया कि हाँ, चाय वाला कुछ सोचकर उसने महीप को आवाज लगाई। चाय वाला जो कि त्रिलोक सिंह था, उसने महीप को आवाज लगाई। महीप जो है वो आता है, महीप जो है वह भूप सिंह का बेटा है, लेकिन साथ ही वह घोड़े पर लोगों को गांव तक पहुंचाने का काम भी करता है। इसका मतलब वह एक बाल श्रम करने वाला छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 8-10 साल के आसपास है ठीक है। महीप पहले तो कुछ नहीं बोलता, उदास बैठा है, लेकिन फिर वह जाने को तैयार हो जाता है क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं होता। महीप जो है चाय वाला ही पैसे तय कर देता है महीप के लिए 2 घोड़ों के 100 रुपए। इस तरह से पैसे भी तय हो गए, दोनों घोड़ों पर बैठकर गांव की तरफ चल पड़े। बीच बीच में चारों तरफ देवदार के घने वृक्ष, चारों तरफ सघन हरियाली, घाटियां, खाइयां और झरने और नदियां, इस तरह का वातावरण जो है वह निर्मित कर रही थी कि शेखर जो है लगातार बायनोकुलर से उस सुंदरता को निहारता जा रहा था। रूप सिंह को भी उन रास्तों को देखकर, उन स्थानों को देखकर अपने बचपन की याद आने लगी। तभी वह सोचने लगा कि एक बार एक स्थान पर आते ही उसने बचपन की याद आई, जिसमें वह घर से भाग आया था और घर से भागने पर भूप सिंह, उसका बड़ा भाई जो था, वह उसे पकड़ने के लिए आया, लेने के लिए आया। उसका हाथ पकड़कर जब वह ले जाने लगा उसे गांव की तरफ, तब उसने कैसे अपने भाई भूप सिंह का हाथ छुड़ा दिया और उसे धक्का दे दिया। इस पर भूप सिंह को बचाने के लिए जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, वह भी उसके साथ नीचे की तरफ फिसलने लगा। तब भूप सिंह ने उसे भी बचाया और खुद को भी बचाया। इस तरह से उसे अपने बचपन की याद आने लगी। भूप सिंह जो कि उसका बड़ा भाई भी था और उसके पिता के समान था। क्यों? क्योंकि रूप सिंह के माता पिता का निधन बचपन में हो गया था। कैसे? भूसंकलन, जब वह 10 साल का था, 9-10 वर्ष का था, तब भूसंकलन के चलते उसके माता पिता का निधन हो गया। खेती बाड़ी, घर बार, सब कुछ बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया।
तब उसके भाई भूप सिंह, जो कि उससे बड़ा था, उसने मेहनत मजदूरी करके दोबारा से सब कुछ खड़ा किया, दोबारा से खेती के काम को बढ़ाया। उसने यहाँ तक कि वह बड़ा ही परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मविश्वासी और शक्ति से परिपूर्ण था, इसलिए उसने मेहनत करते हुए दोबारा से सब कुछ खड़ा किया। साथ ही उसने झरने के रुख को भी मोड़ते हुए अपने खेतों की तरफ किया। उसके कठिन परिश्रम में उसकी पत्नी शैला ने उसका साथ दिया। शैला, जो कि भूप सिंह की पत्नी थी, उसने भी उसका साथ दिया। 10 वर्ष की उम्र में ही रूप सिंह गांव छोड़कर शहर चला गया था। क्यों? क्योंकि शेखर के पिता उसे अपने साथ ले गए थे, उसे पर्वतारोही की ट्रेनिंग दी, अभ्यास दिया, और आज वह पर्वतारोही के रूप में नौकरी भी प्राप्त कर चुका था और 4000 वेतन भी पाता था। अब वह पढ़ लिख कर सब कुछ जो है वो सही से करने लगा था, लेकिन साथ ही वह यह सब बातें याद करता हुआ घोड़े पर चला जा रहा था। उसे अपने बचपन की सारी यादें जो थी आज तरोताजा हो रही थी। रूप सिंह जो है वह यह घटनाएं याद करता है, साथ ही शेखर से बातें भी कर रहा है। शेखर से पूछ रहा है कि क्या वह पर्वत पर चढ़ सकता है, क्या पर्वत पर चढ़ना उसके लिए आसान है। इस पर शेखर अपने अनुभव बताता है कि पर्वत पर चढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है, पर्वत पर आसानी से चढ़ा जा सकता है, हैंगिंग के थ्रू, सीढ़ी के द्वारा और रस्सी आदि के द्वारा वह आसानी से चढ़ सकते हैं। इस पर उसने बताया क्यों, क्योंकि रूप सिंह को ट्रेनिंग प्राप्त है, प्रशिक्षण प्राप्त है पर्वतारोही की, इसलिए उसने उसे बताया कि सबसे पहले पत्थर की किस्म का जानना जरूरी होता है कि पर्वत का पत्थर कैसा है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, या इग्नस रॉक है, या सेडिमेंट्री रॉक है, ये जानना जरूरी होता है, तभी हम आसानी से पर्वत पर चढ़ पाते हैं। किस्म का पता लगने के बाद आप वह पर्वतारोही की ट्रेनिंग लेकर काफी अनुभवी तो हो चुका है, लेकिन उसके अनुभव जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आज वह अपने ही क्षेत्र में अपने लिए कठिनाई पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास वे साधन नहीं थे, साधनों से जाना उसके लिए आसान हो गया था, लेकिन बिना साधनों के उसे नहीं पता था कि कैसे इतने लंबी यात्रा कर पाए। अब महीप जो था वह, क्योंकि सुबह 10 बजे वे बस स्टॉप पर उतरे थे, वहां से गांव तक जाते जाते उन्हें लगभग सांझ हो जाने वाली थी। महीप उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। बीच बीच में शेखर और रूप सिंह जो हैं वो आपस में बातें करते चले जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं अपने गांव माही, तो माही पहुंचने पर जैसे ही उसके भाई रूप सिंह को पता चलता है कि रूप सिंह आ रहा है, वह उसे ऊपर चढ़ने के लिए कहता है, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए कहता है। लेकिन रूप सिंह के लिए अब वह चढ़ाई बड़ी मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी की चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी और सीधी चढ़ाई अब उसके लिए कठिन हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने समतल भूभाग में रहना सीख लिया था, बिना यंत्रों के, बिना औजारों के वह पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहा था। दूसरी तरफ भूप सिंह था जो कि आसानी से पर्वत पर चढ़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसे वहां पर रहते रहते अभ्यास हो गया था, जिसके चलते वह आत्मविश्वासी भी था, वह शक्तिवान भी था, उसमें हर प्रकार की धैर्य भी था, वह आसानी से चढ़ जाता था। भूप सिंह की पत्नी शैला जो थी वह आत्महत्या कर लेती है। क्यों? क्योंकि भूप सिंह दूसरा विवाह कर लेता है, जिसके चलते शैला ने आत्महत्या की। आत्महत्या का महीप अपने पिता से इसी वजह से थोड़ा सा दूर रहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ की आत्महत्या का कारण उसके पिता है, जिसकी वजह से महीप बाल श्रम करता है। अब बाल श्रम के थ्रू यानी वह घोड़ों के द्वारा लोगों को गांव तक पहुंचाने का काम करता है, साथ ही वह अपने लिए आजीविका भी कमा रहा है। रूप सिंह को नहीं पता होता कि महीप उसका भतीजा है। जब उसे पता चलता है तो उसे दुख भी होता है, वह आहत भी होता है कि क्यों उसे ये सब काम करना पड़ता है। इस पर त्रिलोक सिंह उससे पूछते हैं कि अब वह क्या कर रहा है, वहां सरकार के द्वारा उसे कौन सी नौकरी मिली हुई है। जब वह रूप सिंह उसे बताता है कि वह पर्वतारोही की ट्रेनिंग पाकर वह 4000 रुपए महीना मासिक कमा रहा है। इस पर त्रिलोक सिंह कहता है कि ये काम तो हमारा रोज का है, हम सामान्य लोग यहाँ पर कितनी बार चढ़ते उतरते हैं, कितना ही चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, कितना कठिन जीवन जीते हैं, आज तक सरकार ने हमें तो इस प्रकार की कोई तनख्वाह नहीं दी, इस प्रकार का कोई वेतन नहीं मिला। क्या पर्वतों पर चढ़ने का भी कोई वेतन मिलता है, यह भी कोई नौकरी होती है? हम आम लोगों का जीवन इतना कठिनाइयों से परिपूर्ण है, इसके लिए सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किया।
इस पर यह कहानी छोटी सी है, लेकिन फिर भी इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे पर्वतों पर जीवन कठिन होता है। पर्वतारोही बनना ही सर्वस्व नहीं होता। वहाँ के आम लोग जो वहाँ रह रहे हैं, जो लगातार पर्वतों पर आना जाना, चढ़ना उतरना करते हैं, उनका जीवन, उनके लिए आजीविका के साधन कितने कम होते हैं, कितना कठिनाइयों से परिपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें नज़रअंदाज कर देती है। ठीक है, दूसरी तरफ रूप सिंह एक जो कि वहीं का रहने वाला नागरिक था, लेकिन आज वह पर्वतारोही के रूप में पैसे कमा रहा था, आमदनी का जरिया उसे मिल गया था, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था उसने। लेकिन वही महीप जो कि आज भी घोड़े चलाकर, घोड़ों के द्वारा अपना बाल श्रम कर रहा था, उसे भी यदि सही दिशा मिल जाती, उसे भी यदि रूप सिंह की तरह कोई गॉड फादर मिल जाता, तो शायद उसका भी जीवन संवर जाता। धन्यवाद।